साइड पे रावल डैम है और मेरे इस साइड पे खानपुर डैम है। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। मैं अभी मौजूद हूँ पाइन सिटी में, इस्लामाबाद में। यहाँ पे आज है बाइक रैली। मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी मेरे साथ शामिल होंगे। पाइन सिटी रिजॉर्ट ने हमें स्पॉन्सर किया है और यहाँ पे बुलाया है बाइक रैली के लिए। जैसे मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 4th and 5th March को जो है रैली है। रात में बोन फायर है, बारबेक्यू है एंड मच मोर। तो कैंपिंग हमने कर ली है, अपने बेस कैंप पे कैंप्स लगा दिए हैं, कुछ बाइक्स वहाँ पर खड़े हैं। पाइन सिटी इस्लामाबाद जो है इसका मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। ये रास्ता मोनाल की तरफ से आ रहा है। जब मोनाल डायना वैली को आप क्रॉस करते हैं तो वहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर आगे जब आप आते हैं हरिपुर हज़ारा की साइड पर, जब आप जा रहे हैं तो यहाँ पे आपके लेफ़्ट साइड पे आएगा पाइन सिटी। माशाल्लाह से यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई जा रही है। मस्जिद अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये हमारी कैंप साइट आ गई है, ये बेस है इस्लामाबाद से और बाकी एरिया से जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे एक कैंप लगा रहे हैं। रात को यहाँ पर बोन फायर और कुछ हला गुला करेंगे। ये भाई गुजरहान से हमारे साथ हैं। सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा जी, बहुत ज़बरदस्त। बड़े टाइम के बाद जो है हमने कोई गैदरिंग जो है बाइकर्स के वाले से ज्वाइन किए। और भाई का यूट्यूब चैनल भी है, सर नाम बताएंगे उनका? पैराडाइज प्लेसेस इन पाकिस्तान। वो आपके पास तो अल्लाह ताला ने ऐसी जगह दी हुई है कि जो रॉ ब्यूटी है। सही बात है, लेकिन अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है वो 10 साल इसी पे अगर अमल करती है ना कि हमने सिर्फ टूरिज्म पे फोकस करना है तो आपके मुल्क के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पाइन सिटी का जो ट्रैक है वो करेंगे इंशाल्लाह। ये एक नया ट्रैक बनाया है, यहाँ तक तो रोड कॉर्पोरेटेड है। यहाँ से जब आपका ऑफ रोड शुरू, ट्रैक पे ना मंकी कॉफी है और एकदम अटैक करते हैं आप एक्सट्रीम लेवल की। अब जो दिन है वो चढ़ाई शुरू हो चुकी है। इन लोगों की अपनी एक दुनिया यार, ये 70 और 125 वालों की। अच्छा, ऑफ रोड के ऊपर ना स्पीड नहीं होती, पावर और आपकी टेक्निक होती है। कुछ लोग यहाँ पर आके सोचते हैं कि शायद हम स्पीड में बाइक चलाएंगे तो हमारा जो है ट्रैक है वो खान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑफ रोड के ऊपर हमेशा जो होता ना वो टेक्निक यूज़ होती है। आह टुकड़ो जितनी हुआ हुआ यहाँ पर तो किसलिंग हुआ हुआ यहाँ पर तो वाह 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 वाह। ये
ये जो ट्रैक है ये पाइन सिटी के फेज़ टू में आता है। फेज़ वन में इन्होंने भी ओपनिंग की अपनी और बहुत अच्छा इनको रिज़ल्ट मिला। तकरीबन जो फेज़ वन है वो ख़त्म जो हो गया है, इसकी बुकिंग वगैरह भी हो रही। ये फेज़ टू है जिस पे से हम लोग गुजर रहे हैं और कुछ अच्छे में ये सारा इलाका आबाद हो जाएगा। अभी तो हम जंगल में हैं। इस तरह की जगह पे जब आप आते हैं ना तो थोड़ी सी एहतियात भी करें ताकि यहाँ पे आपको ना फर्स्ट एड मिलना इतना आसान नहीं होता। और खुदा ना खास्ता अगर बाइक वगैरह पंचर हो जाए या कुछ और मसला हो जाए तो वो भी एक अलग से रोला है। तो इस रोले से बचने के लिए आप अपने आप पे कंट्रोल रखें और जब ट्रैक से गुजरें तो स्पीड मिल जाए। वो तो नहीं है, एक वो नीचे जा रहा रास्ता, यही है, यही है, यही है। एक मिनट, एक मिनट। आप भी अभी नहीं आ रहे जब नीचे हो जाऊंगा। अभी ट्रैक पे एक गधा आ गया था सामने, तो आबिद भाई के बाइक से उसकी टक्कर हुई है, क्या हुआ है, वो भाग गया। उसका जो मालिक है अब उसको पकड़ने के लिए गया है, तो हम लोग रुक गए, वो आराम से जाके पहले पकड़ ले उसको। पत्थर काफ़ी नकीले हैं यार यहाँ पर, इसलिए आप जब इस ट्रैक पे आओ तो सेफ्टी गार्ड लाजमी पहन के। एक पत्थर जो था ना वो ब्रेक पे लगा लगता है, फिर ब्रेक की ना आवाज़ आ रही है। स्पीड यहाँ पे बिल्कुल हमें स्लो करनी पड़ेगी क्योंकि पत्थर ऐसे हैं यहाँ पर। अच्छा ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आके हम कंफ्यूज हो गए हैं और यहाँ पे शाम भी लगा हुआ, तो हमें किसने कहा था बस हमने लेफ्ट ही लेना था, इसलिए हम लोग लेफ्ट को फॉलो करते हुए ट्रैक काफ़ी जगह पे ना 2.5 फुट से लेक के तो 4 फुट तक कहीं भी बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है और कहीं पे थोड़ी देर भी चढ़ाई ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये कि ये जो ऑफ रोड है ये मुसलसल ये कहीं पे भी ख़त्म नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम, आज है जी 5 मार्च 2023 संडे का दिन है। आज तारीख मुझे उसी दौर पे खड़ा करके ले आई है और मुझे पुरानी अपनी याद आ रही है, दुनिया गोल। मैं 90s में शुरू में तकरीबन 91-90 में आया था यहाँ पे इस ट्रैक पे। तो यहाँ पे जो सबसे यूनिक चीज़ है वो ये है कि इस साइड पे जो है ना रावल डैम नज़र आ रहा है वो सामने, और आपके जो है ना लेफ्ट साइड पे खानपुर डैम है वो सामने। तो ये है कि दोनों डैम आपको ना एक ही उसमें नज़र आते हैं, तो ये यहाँ की यूनिक। तो उस टाइम आप कौन सी बाइक पे आए थे?
उस टाइम CG 125 था, तो सब दो बंदे थे एक साथ मेरा। तो उस टाइम भी रास्ता ऐसे था कि इससे भी ज्यादा खराब था? इससे भी ज्यादा खराब था। बहुत सारी जगह पे हमने बाइक उठा के साइड पे की थी, दो बंदे थे बाइक उठा के साइड पे की थी। तो ये वो रास्ता है जी। ये जी हमारे ग्रुप के पुराने पापी हैं माशाल्लाह, मोस्ट सीनियर हमारा कदीम असासा। अभी कितना किलोमीटर हमने कर लिया? अभी हमने कर लिया जी एक निकाल देना वो जो हमने पीछे 12 किलोमीटर का 6 रह गया। चलो बिस्मिल्लाह करें फिर। अब मुझे लगता है शायद सारी नीचे होता होगी यही मेरा ख्याल आखिरी एक है। चलो जी अब हम करते हैं बिस्मिल्लाह दोबारा से। बाइक जो है वो गर्म हो गया था, सलेंसर इंजन हर जगह से धुआं ही नहीं कर रहे थे, हमारे अपने सलेंसर में से भी निकल रहे। कैमरे में ऐसा लगता है कि ट्रैक जो है बहुत साफ है लेकिन ऐसा है नहीं है, थोड़ा सा आप तेज़ रहने लगते हैं तो एकदम ही बाइक स्लिप हो जाता है पीछे। अब जैसे ये घास है ये स्लिपिंग करती है, ये घास इन पत्थरों से ज़्यादा डेंजरस है ये गिली हो तो। टाइम सब लोग जो हैं कैंप लगा रहे हैं, वसीम भाई की हेल्प कर रहे हैं और वसीम भाई ने अपना बाइक भी ऑन किया हुआ है लाइट के लिए। तो बिल्कुल और ये वसीम भाई साथ में शहराज भाई भी हेल्प दे रहे हैं, शहराज भाई भी लदीब भाई है और इधर से सब भाई एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। यही कैंपिंग का असूल होता है कि एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं, सीखने को कुछ मिलता है, नई चीज़ें मिलती हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। नीचे कर देते हैं इसके नीचे, कैंप के नीचे दे देंगे। ऐसा करो और कैंप उठाओ, एक मिनट कैंप उठाओ। बस ठीक, ये क्या हो गया? यहाँ पे बॉनफायर हो रहा है और सब लोग अपने अपने स्नैक्स वगैरह एंजॉय कर रहे हैं और कुछ लोग स्लोमो बना रहे हैं। इस तरह से स्लोमो की भी दिखाते हैं, स्लोमो देखना ये वेरी नाइस। वो मुझे बोलता है रेस चल रहे हैं आप यार, भाई का पॉइंट लाख होगा। मैंने कहा सर मेरी आप मजे कर पकड़ बात। एंड स्पेशल थैंक्स टू शहराज भाई, आपने ये इनविटेशन दिया सबको और यहाँ पे सब आए, इस तरह की गैदरिंग हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। मेहरबानी करें अब 25 लाख हम आपको कहाँ से मारी